ये लो फिर हम आगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं द टेक्निकल सर्च इंजन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका ब्रांड अकाउंट यूट्यूब चैनल में उसका रीनेम आप कैसे कर सकते हो, उसका नेम अपना हिसाब से कैसे चेंज कर सकते हो। ये एक सिंपल ट्रिक से दोस्तों इस तरह का वीडियो बहुत सारे आपको यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, लेकिन ये जो है लेटेस्ट है 2021। यूट्यूब अपना सॉफ्टवेयर, अपना एप्लीकेशन डिजाइन हमेशा चेंज करता रहता है, तो ऑप्शन भी चेंज हो गया है। तो 2021 में आपका जो नया ऑप्शन है वो कैसा है, मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो जब भी मैं पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले आपका यूट्यूब चैनल को चले जाइए और यूट्यूब स्टूडियो में लॉगिन कर लीजिए, जिस चैनल को आपने रीनेम करना है। जैसे कि आपका ब्रांड अकाउंट जो भी है, ये है एक ब्रांड अकाउंट, इसको अगर आपको चेंज करना है तो कहाँ पे जाके इसको चेंज कर सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आपको चलना है सेटिंग में, यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे परमिशन करके एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे मैनेज परमिशन करके एक ऑप्शन है, इसको क्लिक कर लीजिए। दूसरा टैब में आप लॉगिन हो जाओगे और उसके बाद आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दिख रहा है। सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है, एक पेंसिल का मार्क मिल रहा है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको दूसरा पेज में आप आ जाओगे और यहाँ पे आप देख सकते हो नेम और लोगो, और यहाँ पे आपको चलना है नेम के ऊपर। और फिर से यहाँ पे एक पेंसिल का ऑप्शन मिल रहा है, जिसको क्लिक करते ही आपको यहाँ पे नेम एडिट करने के लिए पूरा ऑप्शन मिल जाता है। अगर अपना चैनल को दूसरा नेम में आप रीनेम करना चाहते हो तो इसी हिसाब से आप कुछ भी रख सकते हो। जैसे कि मैं अगर कुछ रखना चाहता हूँ, म्यूजिक वगैरह वगैरह, आप अपना हिसाब से इसको रीनेम कर सकते हो और उसके बाद आप सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, जो ब्रांड नेम है, जो ब्रांड अकाउंट का जो नेम है वो रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये हो सकता है थोड़ा देर टाइम ले, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, ऑटोमेटिक वो सिंक्रनाइज होके अपडेट हो जाएगा। तो ये तो था दोस्तों कैसे आपका ब्रांड अकाउंट का नेम जो है आप चेंज कर सकते हो। तो इस तरह का अगर आगे में भी आपको इंटरेस्टिंग वीडियो देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा नोटिफिकेशन पाने के लिए। आज के लिए तो इतना था, फिर मिलेंगे एक नया एपिसोड के साथ, एक नया ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए मैं रहता हूँ दोस्तों, धन्यवाद, गुड बाय।